आज हम आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताने वाले हैं इको ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए तथा उससे रिलेटेड रिपोर्ट को कैसे प्रिंट आउट या कैसे व्यू किया जाए। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर इको ऑफिस का आइकन होगा, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी लॉग इन स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले होगी। जो भी आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए गए यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर फिल करें और ओके करें। जैसे मैं यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम और पासवर्ड में फिल कर रहा हूँ जो मेरे को दिया गया है। फिल करने के बाद मैं ओके कर रहा हूँ। जो है आप ओके करेंगे इस तरह की सॉफ्टवेयर विंडो आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू बार है डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वर्क करना चाहते हैं, किस तरह का टास्क आपके पास में है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे सॉफ्टवेयर के अंदर सबमिट किया जाता है, कैसे उसको रजिस्टर किया जाता है। तो अगर मान लीजिए सपोज के लिए कोई भी न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन फॉर्म आप सॉफ्टवेयर में फीड करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर में इनपुट करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए सेकंड मेन्यू आ रहा है आपका स्टूडेंट और स्टूडेंट में फर्स्ट कमांड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करेंगे शॉर्टकट आपका कंट्रोल आर भी, आप चाहे तो कंट्रोल आर के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं। जो आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे इसका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले होगा। यहाँ पर ये पूरा पूरा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें वो सारी फील्ड दिए गए हैं जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले यहाँ पे एसआर नंबर जो आप स्टूडेंट को देना चाहते हैं, जो भी उसका एसआर नंबर आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैं ये एसआर नंबर देना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे एसआर नंबर जो भी आपका रजिस्टर जो एनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पे दीजिए। डेट ऑफ एडमिशन जिस तारीख को आप स्टूडेंट का एडमिशन कर रहे हैं या जो भी उसका एडमिशन डेट है यहाँ पे डालिए, जो भी उसका है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन और ओल्ड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। न्यू स्टूडेंट का मतलब है कि वो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स है उसका आप रजिस्ट्रेशन करें। ओल्ड का मतलब वो पहले से पढ़ रहा है, और मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर अभी से स्टार्ट किया है तो ये ओल्ड रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यानी कि अगर कोई करंट टाइम में इस करंट ईयर का न्यू स्टूडेंट्स है तो वो तो न्यू में चल जाएगा, और अगर पहले से तीन चार साल से पढ़ रहा है वो स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ओल्ड रजिस्ट्रेशन में चल जाएगा। तो वो डिपेंड आपके ऊपर है कि न्यू स्टूडेंट का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें या ओल्ड का कर रहे हैं। अगर आप न्यू का कर रहे हैं यहाँ पर तो उसका एडमिशन क्लास जो भी आपका है वो यहाँ डालिए, और उसका प्रेजेंट क्लास भी सेम होगा क्योंकि बिकॉज करंट ईयर का एडमिशन न्यू है तो उसकी करंट ईयर क्लास भी और प्रीवियस क्लास भी सेम होगी। अगर यही कंडीशन अगर ओल्ड में है तो ओल्ड में हो सकता है कि उसका एडमिशन क्लास डिफर हो सकता है, प्रेजेंट क्लास उसका डिफर हो सकता है, कि हो सकता है तीन चार साल पहले उसका, जैसे हमने यहाँ बात की 2015 की बात करूँ, हो सकता है कि सिस्टम का पुराना स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट जो कंटिन्यू आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका यहाँ पर एडमिशन डेट पुराना होगा, तो जो भी उसका एडमिशन डेट पुराना वो डालिए और यहाँ पे ओल्ड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। और जब वो 2015 के अंदर वो किस क्लास में एडमिशन लिया था वो क्लास यहाँ पे डालें, और उसका जो भी करंट टाइम वो जिस भी क्लास में वो स्टडी कर रहा है वो क्लास यहाँ पे आप फिल करें। जो भी आप सेक्शन देना चाहते हैं उसको सेक्शन दीजिए यहाँ पे, ऑलरेडी पहले से बने हुए सेक्शन, उसका फर्स्ट नाम जो भी हो, और ध्यान रखिए जो भी इसमें फील्ड कर रहे हैं फील्ड वो सारे के सारे कैपिटल में लिखने की कोशिश करें। फर्स्ट नेम, ये मिडिल नेम, और ये लास्ट नेम, उसका जेंडर जो भी मेल फीमेल, उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है वो वहाँ से देख के आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। जैसे मैंने 2008 कर दिया। आपका मीडियम हिंदी है इंग्लिश है वो डिपेंड आपके ऊपर, जैसा मीडियम वो यहाँ फिल करें। रिलीजन्स जो भी उसका रिलीजन्स है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो यहाँ पर फिल करें। माइनॉरिटी जो भी उसका माइनॉरिटी है यहाँ फीड करें। एसटी एससी ओबीसी जो भी उसका कैटेगरी यहाँ पे फीड करें। इसी के साथ में फीस टाइप, ये बहुत ना आपको बहुत लॉजिकली समझना बहुत ज़रूरी है फीस टाइप क्या है। देखिए अगर न्यू स्टूडेंट है तो यहाँ पे भी फीस टाइप आपका न्यू स्टूडेंट होगा यानी न्यू एडमिशन होगा। और अगर यहाँ पे आपने ओल्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में अगर यहाँ पे रेडियो बटन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे भी आपका ओल्ड स्टूडेंट्स होगा। क्यों होगा इसका रीज़न समझ लीजिए कि अगर न्यू स्टूडेंट्स है तो हम उससे रजिस्ट्रेशन चार्जेस या एडमिशन चार्जेस हम एक्स्ट्रा उससे रिसीव करते हैं, और अगर स्टूडेंट पुराना है तीन चार साल से यहीं पढ़ रहा है तो हम उससे रजिस्ट्रेशन चार्जेस या एडमिशन चार्जेस नहीं लेते हैं। तो ये आपकी फ़ीस की कैटेगरीज होती है। तो यहाँ ध्यान रखिए अगर आपने यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट लेना है, और अगर आपने यहाँ पर ओल्ड पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको ओल्ड स्टूडेंट्स लेना है। बिल्कुल ये आईडी रिमार्क और फीस रिमार्क है। यहाँ पे फीस से रिलेटेड कोई भी कमेंट आप फील कर सकते हैं जो आगे चल के आपको
वो एक तरह से काम में आएंगे। कोई भी रिमार्क्स है, कोई भी डिस्क्रिप्शन उस स्टूडेंट के बारे में, जो भी फीस से रिलेटेड कुछ बातचीत हुई आपके पेरेंट्स और आपके बीच में, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एड्रेस, जो भी स्टूडेंट्स जो एडमिशन फॉर्म था उसमें जो भी एड्रेस था वो आप यहाँ पे एड्रेस ले सकते हैं, जो भी उसका एड्रेस हो। सिटी आप यहाँ से पॉपअप से ले सकते हैं, उसका स्टेट ले सकते हैं, पिन कोड अगर आपको रिमेम्बर हो तो आप उसका पिन कोड भी यहाँ फीड कर सकते हैं, कंट्री लेना चाहे आप कंट्री ले सकते हैं, फ़ोन नंबर और उसका कोई लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ से आप लैंडलाइन नंबर ले सकते हैं, जो भी उसका हो लैंडलाइन नंबर। इस तरह से SMS मोबाइल नंबर, जो पेरेंट्स प्रिफर करते हैं कि भाई स्कूल की तरफ से जो भी मैसेज मिले वो इस मोबाइल नंबर पे मिले, तो वो आप उससे पेरेंट्स से ले सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर कौन सा मोबाइल SMS के अंतर्गत देना है, कि यहाँ से उसका मोबाइल जो SMS चाहते हैं पेरेंट्स वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखे। अगर मेल एड्रेस है स्टूडेंट का वो आप यहाँ ले सकते हैं, अगर आपके पास न्यू एडमिशन है और आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे प्रीवियस स्कूल का नेम आप राइट कर सकते हैं, और जैसे जो भी उसका स्कूल नेम है। उसका क्लास, जो भी उसका स्टैंडर्ड हो क्लास वो ले सकते हैं प्रीवियस स्कूल का। उसका परसेंटेज अगर डिटेल पर आप उसका परसेंटेज भी ले सकते हैं यहाँ पे, जो भी हो उसका अगर हो तो ले सकते हैं, अगर यू कैन लीव। इसके अलावा और कोई एडिशनल रिमार्क डालना चाहे आप रिमार्क डाल सकते हैं। यूनिक आईडी में उसका आधार नंबर ले सकते हैं, अगर आपके पास आधार नंबर तो आधार नंबर ले सकते हैं उसका। अंडर RT, अगर RT स्कीम के अंतर्गत अगर बच्चा है तो यहाँ पे अंडर RT ले लीजिए, तो उस कंडीशन में आपकी फीस टाइप भी RT होगा, ध्यान रखें। अगर कोई स्टूडेंट्स RT के अंतर्गत आपने एडमिशन लिया है तो यहाँ फीस टाइप भी उसका RT होगा, और यहाँ पे उसको RT पे आपको क्लिक करना होगा बिल्कुल यहाँ पे। अगर है तो RT में डालिए, अगर नहीं है तो जो भी आपका फीस स्ट्रक्चर एप्लीकेबल करना चाहते हो वो एप्लीकेबल कर दीजिए। सेकंड आपका पेरेंट्स का डिटेल यहाँ पे, कि जो भी फादर नेम है, ऑक्यूपेशन है, जैसे यहाँ पे उसका जो भी क्वालिफिकेशंस है वो आप यहाँ पे डालिए, एज जो भी उसका फादर एज है, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, अगर नहीं है इन्फॉर्मेशन यू कैन लीव इट। ये उसका ऑक्यूपेशन कि इन जॉब है, सर्विस में है, जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इनकम यू कैन लिव इट, आप छोड़ सकते हैं। मदर नेम, जो भी उसका मदर नेम है। क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। एज, जो भी उसका एज है वो डाल दीजिए, उसका मोबाइल है तो डाल दीजिए, अदरवाइज यू कैन लिव। ऑक्यूपेशन जो भी है। मदर टंग, ये कुछ ऑप्शनल फील्ड है, आप चाहे तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। और मदर टंग उसका हिंदी इंग्लिश है यहाँ पे लिख दीजिए। लोकेलिटी उसकी अर्बन है रूरल आप चाहे तो लिख सकते हैं, यू कैन लिव इट। BPL है तो BPL पे क्लिक कर दीजिए, डिसएडवांटेज ग्रुप में है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है तो उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इनको फिल कर सकते हैं, यू कैन लिव इट। डॉक्यूमेंट सबमिटेड ऑन एडमिशन, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहा उसका आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी यूजेबल नहीं है, वो धीरे धीरे आपको टाइम फ्रेम हम बताते रहेंगे। सेकंड थिंग, अगर उसका स्टूडेंट का इमेज अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट करके एड पे क्लिक करिए, और जहाँ पे आपके सिस्टम में उस स्टूडेंट का फोटोग्राफ रखा हुआ है उस फोटोग्राफ को सेलेक्ट करके आप उसका इमेज लगा सकते हैं, जिससे क्या कोई भी रिपोर्ट आप एक्सेस करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका इमेज उस रिपोर्ट के साथ में डिस्प्ले हो जाएगा। अगर नहीं है अवेलेबल तो यू कैन लिव इट, बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। जैसे कोई सी पिक्चर में भी थोड़े समझाने के हिसाब से लगा देता हूँ तो यहाँ पे उसका पिक्चर्स आ जाएगा कम्प्लीटली, और यहाँ पे आप उसको सेव कर दीजिए, ये आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। इन फ्यूचर कभी लगता है कि आपने कोई एडमिशन फॉर्म भरा था उसमें मान लीजिए आपने स्टूडेंट का स्पेल गलत लिख दिया और किसी भी तरह कोई भी गलती ले, तो आप उसको री एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि वही है कि अगर किसी भी फॉर्म को आपने फिल किया उसमें किसी भी तरह कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत डाल दिया, उसको आप एडिट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, वापस स्टूडेंट में जाइए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाइएगा, एडिट करिए। जो ही आप एडिट करेंगे सारे जितने भी आपने फॉर्म एनरोल किए हैं वो सारे के सारे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। आप चाहे तो क्लास वाइज फिल्टर कर सकते हैं, सेक्शन वाइज फिल्टर कर सकते हैं, अगर आप SR नंबर है SR नंबर से फाइंड कर सकते हैं, नेम है तो नेम के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं, और अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने लास्ट में एक फॉर्म भरा था, मेरे को इसमें एडिट करना है, डबल क्लिक करिए,
ये आपके पास में फॉर्म वापस से ओपन हो गया, जो भी आप एडिट करना चाहते हैं, कोई भी स्पेल और कुछ भी वाट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे भी करेक्शन करके वापस से सेव कर दीजिए। आपको लगता है नहीं कि गलती से फॉर्म भर दिया, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो आपका फॉर्म बिल्कुल आपके रिकॉर्ड से हट जाएगा। यहाँ डिलीट पर क्लिक करिए, डिलीट हो जाएगा, कहीं कोई इश्यू नहीं। इसी के साथ में मान लो आपने फॉर्म भर दिया, अब आप देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन आपने जो फिल किया है उसका एक रिपोर्ट क्लास वाइज या सेक्शन वाइज जनरेट करना चाहते हैं, किसी भी तरह कोई इन्फॉर्मेशन आप फाइंड करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ से आप स्टूडेंट, वापस बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी न्यू एडमिशन फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ उसका एसआर नंबर डालिए, उसका एडमिशन डेट डालिए, न्यू स्टूडेंट न्यू पे क्लिक किए, ओल्ड तो ओल्ड पे क्लिक करिए, यहाँ से एडमिशन क्लास प्लस प्रेजेंट क्लास में उसकी डालिए, सेक्शन डालिए, उसका फर्स्ट नेम डालिए, मिडिल नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, जेंडर मेल फीमेल, उसका डेट ऑफ बर्थ, मीडियम हिंदी इंग्लिश जो भी हो उसका डालिए, रिलीजन जो भी हो, माइनॉरिटी जो भी हो डाल दीजिए, कैटेगरी जो भी है, उसके ऊपर फीस कौन सा एप्लीकेबल होना चाहिए, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग या ओल्ड रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर कोई स्पेशल रिमार्क डालना फीस से रिलेटेड, स्पेशल रिमार्क डाल सकते हैं। यहाँ पर उसका एड्रेस, मेलिंग डिटेल्स है कॉमन, यहाँ पर एड्रेस आप फिल कर दीजिए, ये पेरेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर फिल कर दीजिए, ऑन एडिशन वो क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करें यहाँ से फिल कर दीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक आपके सॉफ्टवेयर में इस बच्चे का रिपोर्ट मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आई टू सी कि अगर किसी भी तरह से किसी भी स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी भी तरह कोई भी करेक्शन करना है, आप एडिट पर क्लिक करिए, एडिट पर क्लिक करते ही सारे फॉर्म्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। आप क्लास वाइज देखना चाहें क्लास पे क्लिक करिए, सेक्शन वाइज देखना चाहें सेक्शन पे क्लिक करिए, या पर्टिकुलर अगर एसआर नंबर आपको मालूम है एसआर के अकॉर्डिंग कोई फॉर्म एक्सेस करना चाहें, आप एसआर नंबर के अकॉर्डिंग कोई फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं, जिससे पता लगा कि आपको केवल एसआर नंबर मालूम है, बाकी ना उसका कोई क्लास मालूम ना सेक्शन मालूम है, तो सिंपल सा बस यहाँ पे एसआर नंबर लिखिए, जैसे मैं 908 लिख रहा हूँ, एंटर प्रेस करिए, देखिए वही फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले, डबल क्लिक करते वो वापस से ओपन हो गया, और उसमें जो भी आप करेक्शन करना चाहें करेक्शन कर दिए, डिलीट करना चाहे डिलीट करिए, सेव करना चाहे सेव करिए, जैसे मैंने डिलीट कर दिया ये आपका डिलीट हो। तो इस तरह से आप न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसमें फीड कर सकते हैं, फीड करने के बाद में लगा कि आपको किसी भी तरह कोई करेक्शन करना है उसमें करेक्शन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या उसको डिलीट करना चाहे डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आप कैसे प्राप्त करें। यहाँ पे देखिए ये पूरा स्टूडेंट का जो पूरा का पूरा आप देख लीजिए, सारी की सारी कमांड स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। हम नीचे से चलते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट सिबलिंग्स, आप देखना चाहते हैं कि आपके स्कूल्स में कितने बहन भाई आप हैं, उनका एक लिस्ट चाहते हैं, स्टूडेंट सिबलिंग्स पे क्लिक करिए, ऑल क्लासेस करिए, यहाँ पे जो है आप ऑल क्लासेस करेंगे, और यहाँ पे केवल फादर नेम पे आपको क्लिक करना होगा, तो ऑटोमेटिक सारे के सारे यहाँ पे जो है फादर नेम पे क्लिक करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे एक साथ आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। कि यहाँ पे देखिए 1 2 ये दो बच्चे के फादर नेम और मदर नेम सेम है, इसका भी आपस में सिबलिंग्स है, यानी आपस में बहन भाई हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए ये दो स्टूडेंट्स हैं जो आपस में बहन भाई हैं, यहाँ पे देखिए ये दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ये बहन भाई है, यहाँ पे 1 2 ये देखिए आपके ये दो बहन भाई हैं, ये दो बहन भाई हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक सिबलिंग्स रिपोर्ट तैयार हो जाती है, जिससे आपको ये पता लग जाता है आपके स्कूल्स में कितने सिबलिंग्स स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उसका एक अलग से लिस्ट जनरेट हो जाता है। इस इन्फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके साथ में यूज़ हो। ओके, इसी के साथ में देखिए अगर हम बात करें लास्ट सेकेंड, आप यहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं और ट्रांसफर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट सबमिटेड है कि बच्चे ने ऑन एडमिशन क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे अपने को, वो सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे, अगर बच्चे ने ऑन एडमिशन क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे या नहीं कराए थे, वो सिंगल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सारे डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट कराए थे उसमें कराए थे या नहीं कराए थे उसका एक रिपोर्ट आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ऑन एडमिशन उसने टीसी जमा कराया था नहीं कराया था। कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअली वहाँ सपोज को जब एडमिशन होता है तो पेरेंट्स कहते हैं एक दो रोज में हम आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट डिपॉजिट करा देंगे। अब होता है कि कई बार मान लीजिए स्कूल प्रशासन के दिमाग से निकल जाता है कि इस पेरेंट्स ने जमा कराया नहीं कराया, और वो पेरेंट्स ही भूल जाता है, पर जब कभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तब पता लगता है अरे इस स्टूडेंट के पेरेंट्स ने तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराया ही नहीं था। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है जिसमें आप ये डिटेल देख सकते हैं किस स्टूडेंट ने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराया और क्या क्या नहीं करा है, वो सारी डेटा आप यहाँ पे
देख सकते हैं। आपने सेलेक्ट किया, स्टूडेंट का लिस्ट आ गया और जिसने जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराया था उसके नीचे वाई का सिंबल बन के आएगा। तो इसका इन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराया था और बाकी के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब इनके सारे डॉक्यूमेंट्स बाकी। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे और क्या क्या नहीं करा रखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए एज वाइज स्टूडेंट्स जो एक डाइस भरने के लिए एक रिपोर्ट हमें प्रिपेयर करके देना पड़ता है एज वाइज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सिंपल सा या तो आप क्लास पे क्लिक करिए या पर्टिकुलरली ऑल क्लासेस पे क्लिक करते कर दीजिए, तो उससे क्या है कि आपका एक ऑटोमेटिक एज वाइज स्टूडेंट का डिटेल आ जाएगा कि ये देखिए एज आ गया यहाँ पे, ये बॉयज़ ये गर्ल्स टोटल, इस तरह से सारे बच्चों की एज ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि आप ऑल पे कर रहे हैं तो ऑल के अनुसार जनरेट हो जाएगी, और अगर एक पर्टिकुलर क्लास पे क्लिक करना चाहे पर्टिकुलर क्लास के अनुसार यहाँ पे जनरेट इस तरह जनरेट हो जाएगी कि आपके ब्लो 5 कितना है, 5 कितना है, 6 कितना है, 7 कितना है, 8 कितना है, 9, इस तरह से आपकी एज वाइज रिपोर्ट आपके यहाँ जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटी वाइज, ये भी हमें डाइस में फिल करने के काम में आता है। माइटी वाइज स्टूडेंट्स क्लिक करें यहाँ पे, ऑल क्लासेस क्लिक करें तो ऑटोमेटिक ऑप्शन पूरा माइटी रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा कि जो आपके पूरे स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स है उसका माइनरी रिपोर्ट क्या है। अभी केवल इस पूरे डेटाबेस में केवल जनरल डाला इसलिए जनरल का पूरा रिपोर्ट आ गया, अगर इसके अंदर और भी अगर माइनरिटी होती उनका रिपोर्ट भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट रिपोर्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरीज वाइज स्टूडेंट्स, कैटेगरी पे क्लिक करें, ऑल क्लासेस पे क्लिक करें तो यहाँ पे पूरा कैटेगरी वाइज स्टूडेंट का पूरा रिपोर्ट आ गया कि क्लास वाइज आ गया और जनरल ये देखिए जनरल वाइज कितना है, जनरल गर्ल्स कितना है, तो यहाँ पूरा कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है कम जी एस टी एस सी ओ बी सी जो भी आपने रिकॉर्ड में डाल रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास वाइज स्टूडेंट समरी, वो क्लास वाइज स्टूडेंट समरी पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा किस क्लास में कितना कितना स्टूडेंट्स है इस तरह से। नेक्स्ट आपका क्लास वाइज स्टूडेंट समरी, यहाँ पे आइए यहाँ पे देखिए एक्चुअली इधर क्लासेज आ गए, सेक्शंस आ गया, टोटल आ गया, मेल और फीमेल, इस तरह से पूरा रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है कि किस क्लास में किस सेक्शन में कितना कितना स्टूडेंट्स है, कितना बॉयज़ है, कितना गर्ल्स है, इस साल के न्यू स्टूडेंट कितना है और करंट लास्ट ईयर के ओल्ड स्टूडेंट्स कितना, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट हम बात की स्टूडेंट समरी, ये भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड रिपोर्ट है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पूरा क्लास वाइज सेक्शन वाइज रिपोर्ट आता है, इससे भी आप एक अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं कि अपने स्कूल के अंदर कितना स्टूडेंट्स और कितना नहीं है। नेक्स्ट लिव्ड स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए या उनको हमने ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कर दिया उसका रिकॉर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिक। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो करंट ईयर तक स्कूल को ड्रॉप आउट कर चुके हैं, उनका हमने ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ से इशू कर दिया है, तो इससे जितने भी स्टूडेंट ड्रॉप आउट है उनका सारा रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है सिंगल क्लिक पर, और आप अपने अनुसार उनको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अंडर आरटी, अगर आपके स्कूल में कुछ बच्चे अंडर आरटी के अंदर है, आप देखना चाहते हैं किसकी क्लास में कितने कितने बच्चे अंडर आरटी है, तो उनका रिपोर्ट भी यहाँ पे जनरेट हो जाता है कि जितने भी स्कूल्स के अंदर आरटी के अंतर्गत बच्चे हुए उनका पूरा रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाता है कि आपके स्कूल के अंदर इतने बच्चे आरटी के अंदर है, तो उसका एक अलग से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अभी केवल हमने एक ही बच्चे यहाँ पर आरटी दिखा रखा है, इसलिए एक ही बच्चा आ रहा है, अगर और बच्चे होते तो और बच्चे आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। एसआर डिटेल्स, यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट एसआर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे कि सिस्टम को, ये देखिए इस तरह से एसआर क्रिएट हो जाता है, जो आपका मैनुअल एसआर चलता है उसी तरह से एमएसआर है, और आप चाहते इसे टीसी वगैरह भी इशू कर सकते हैं। टीसी इशू करने के लिए यहाँ पे देखिए टीसी बटन दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करिए तो इसका पूरा टीसी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, सिंगल क्लिक करते हैं और आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी आ जाए टीसी, और चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर के द्वारा आप टीसी बना सकते हैं। ये स्टूडेंट बर्थ डिटेल्स, यहाँ पे आप ये पता लगा सकते हैं कि करंट डेट के अंतर्गत किन किन बच्चों का आज बर्थडे है, केवल डेट डालिए, बस केवल डेट डालना होगा, ओके करिए, तो करंट डेट में जिन भी स्टूडेंट का बर्थडे होगा उनका एक लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले देखिए, दो स्टूडेंट्स इनका करंट डेट में बर्थडे लिस्ट डिस्प्ले होगी, आप या तो एसएमएस वगैरह भी सेंड कर सकते हैं, ये एसएमएस बटन है, यहाँ से एसएमएस वगैरह सेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इस तरह की, इसके अलावा और किसी भी तरह कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट पर आइए, कोई भी क्लास क्लिक करिए तो इसका फादर नेम, मदर नेम,
उसका मीडियम का सेक्शन वगैरह सारा रिपोर्ट एनालाइज होकर आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। अब डिपेंड करता है इस रिपोर्ट की कैसे रिक्वायरमेंट, आप यहाँ से फिर फिल्टर कर सकते हैं कम्प्लीटली। फिल्टर्स आपके सामने दे रखे हैं, सेक्शन वाइज फिल्टर करना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज है, जेंडर वाइज है, न्यू स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ये सारे बटन दे रखे हैं। अलग अलग ऑप्शन के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग बटन से इनका आप अपने को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप स्टूडेंट समरी बना सकते हैं यहाँ से थर्ड बटन से। आप किसी पर्टिकुलर अकाउंट चेक करना चाहते हैं किसी का, स्टूडेंट डिटेल में आइए, उसका क्लास सेलेक्ट करें, सेक्शन सेलेक्ट करें और स्टूडेंट पे क्लिक करें, तो उसका पूरा जो भी अकाउंट फीस का वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे कम्प्लीटली। नेक्स्ट है क्लास वाइज आप असाइन रोल नंबर कर सकते हैं, पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट करें, सेक्शन सेलेक्ट करें, तो उस सेक्शन जितने बच्चे होंगे वो सारे सारे स्टूडेंट्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। आप उनका कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं रोल नंबर, जैसे 1 से स्टार्ट करना चाहिए असाइन करिए, तो ऑटोमेटिक ये नंबर उनको असाइन कर देता है। सेव क्लिक करिए तो ये ऑटोमेटिक रोल नंबर असाइन हो गया। तो इस तरह से अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे कमांड दे रखे हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और कंटिन्यू वॉच करते हैं वीडियोज़, आपको इको स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो से मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।